हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच खेले गए सेकंड ओडिया मैच की फुल हाईलाइट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको टीम इंडिया से जुड़ी हर अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज टीम के बीच तीन मैचों की ओडीआई सीरीज का सेकंड ओडीआई मुकाबला अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला जा चुका है। तो हम आपको बता दें कि ये मुकाबला भी एक तरफा मुकाबला खेला गया, जिसमें हम आपको बता दें कि वेस्टइंडीज़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में एक जोर से आगे चल रही थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि वो हमें इस मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो हम आपको बता दें कि हमें टीम इंडिया की तरफ से ओपनर्स में देखने को मिले थे सांदर बल्लेबाज ऋषभ पंत, दूसरे नंबर पर आते रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर आते विराट कोहली, चौथे नंबर पे आते केएल राहुल, पांचवें नंबर पे आते सूर्य कुमार यादव, छठे नंबर पे आते वॉशिंगटन सुंदर, सातवें नंबर पे आते दीपक हुड्डा, आठवें नंबर पे आते शार्दुल ठाकुर, नौवें नंबर पे आते मोहम्मद सिराज, दसवें नंबर पे आते यूवी चहल, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते प्रदीन कृष्णन। और वहीं बात के वेस्टइंडीज टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, तो वहां पे हमें देखने को मिले थे सांदर बल्लेबाज से होप, दूसरे नंबर पे आते ब्रेंडन किंग, तीसरे नंबर पे आते डेरिन ब्रावो, चौथे नंबर पे आते एस ब्रुक्स, पांचवें नंबर पे आते निकोलस पुरन, छठे नंबर पे आते जेसन होल्डर, सातवें नंबर पे आते फेबिल एलेन, आठवें नंबर पे आते ओडेन स्मिथ, नौवें नंबर पे आते अखिल हुसैन, दसवें नंबर पे आते अल्जारिज जोसेफ, जबकि ग्यारहवें नंबर पे आते कीमा रोच। दोस्तों, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 थी जो कि वो हमें इस मुकाबले में खेलते हुए दिखी थी। तो चलिए अब देख लेते हैं इस मुकाबले की फुल हाईलाइट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें टीम इंडिया की तरफ से ओपनर्स में देखने को मिले थे सांदर बल्लेबाज रोहित शर्मा, जबकि दूसरे नंबर पे आते ऋषभ पंत। तो हम आपको बता दें कि टीम इंडिया की स्वाद बहुत ही खराब रही थी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया था। तो हम आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, लेकिन वो उस मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और बहुत जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 8 गेंद खेली जिसमें 5 रन बना सके, लेकिन बाद में इनको कीमा रोच ने आउट कर दिया था। वहीं बात करें ऋषभ पंत की, तो हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में पंत को ओपनिंग करने का मौका मिला था, लेकिन इस मुकाबले में जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि पंत ने इस मुकाबले में 34 गेंद खेली जिसमें 3 चौके की वजह से सिर्फ 18 रन बना सके, लेकिन बाद में इनको ओडिन स्मिथ ने आउट कर दिया था। दोस्तों, वहीं बात की विराट कोहली थी, तो हम आपको बता दें कि कोहली ने भी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। तो हम आपको बता दें कि विराट कोहली ने इस मुकाबले में 30 बॉल खेली जिसमें 3 चौके की मदद से 18 रन बना सके, लेकिन बाद में उनको भी ओडिन स्मिथ ने आउट कर दिया था, जिसके बाद हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की तरफ से। तो हम आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने अंदर बल्लेबाजी करी ताकि वो 100 रन के आगरा पार कर सके टीम इंडिया। तो हम आपको बता दें कि केएल राहुल ने इस मुकाबले में 48 बॉल खेली जिसमें 4 चौके जबकि 2 शानदार छक्कों की मदद से 49 रन बनाए थे, लेकिन बाद में उनको रन आउट के रूप में विकेट मिल गया था। दोस्तों, वहीं बात की सूर्य कुमार यादव की, तो हम आपको बता दें कि यादव ने इस मुकाबले में 83 बॉल खेली जिसमें 5 चौके की मदद से 64 रन बनाए थे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि सेकेंड ओडिया मुकाबले से पहले ओडिया मुकाबले में भी उन्हें शानदार बल्लेबाजी करी थी, लेकिन बाद में इनको भी विकेट भी फेबिल एलन ने ले लिया था। दोस्तों, वहीं बात की वॉशिंगटन सुंदर की, तो हम आपको बता दें कि सुंदर ने इस मुकाबले में 41 गेंद खेली जिसमें चौके की वजह से 24 रन बनाए थे, लेकिन बाद में क्यों अखिल हुसैन ने उनका विकेट ले लिया था। दोस्तों, वहीं बात की दीपक हुड्डा की, तो दीपक हुड्डा ने इस मुकाबले में 25 बॉल खेली जिसमें 3 चौके की वजह से 29 रन बनाए थे, लेकिन बाद में इनको जेसन होल्डर ने विकेट ले लिया था। दोस्तों, वहीं बात की शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में 15 बॉल खेल सके जिसमें चौके की वजह से 8 रन बनाए थे, लेकिन बाद में उनका विकेट भी जोसेफ ने
ले लिया था। दोस्तों वहीं बात के मोहम्मद सिराज की, तो अंत में कि मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में 5 बॉल खेल सके जिसमें 3 रन बना सके, लेकिन बाद में उनका विकेट भी जोसेफ ने ले लिया था, जिसके चलते टीम इंडिया ने 50 ओवर में 287 रन बना सकी। तो हम आपको दर्दी की वेस्ट इंडीज़ सीम की तरफ से हमें शानदार बॉलिंग देखने को मिली जोसेफ और ओडिन सिम्स की तरफ से। तो हम आपको दर्दी की इन दोनों बॉलर ने दो दो विकेट लिए थे, और हम आपको दर्दी की वीडियो मरने तक वेस्ट इंडीज़ सीम का स्कोर 50 से 2 विकेट हो गया था। तो हम आपको दर्दी की दोनों विकेट ही प्रदीन किशन को मिले थे। दोस्तों अगर आप इस मुकाबले की फुल हाईलाइट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप को, वहाँ पर आपको हर मुकाबलों की फुल हाईलाइट देखने को मिल जाएगी, वही बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपके मुताबिक तीसरा ओडिया मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।